गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग कक्षा 11 के भूगोल में पाठ 2 में जो कि वायुमंडल व जलमंडल का विकास के बारे में अध्ययन करेंगे, क्योंकि इसके पहले वीडियो हम लोग स्थल मंडल के बारे में पढ़ चुके हैं। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वायुमंडल व जलमंडल का विकास। पृथ्वी के वायुमंडल की वर्तमान संरचना में नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन का प्रमुख योगदान है। वर्तमान संरचना में पृथ्वी के वायुमंडल की वर्तमान संरचना में नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन का प्रमुख योगदान है। वायुमंडल की संरचना के बारे में बताई गई है। वायुमंडल की संरचना के बारे में बताई गई है। वर्तमान में वायुमंडल के विकास की 3 अवस्थाएं हैं। वायुमंडल के विकास की 3 अवस्थाएं हैं। इसकी पहली अवस्था में आदिकालिक वायुमंडलीय गैसों का ह्रास है। जो आदिकालिक वायुमंडल उनका ह्रास है। दूसरी अवस्था में पृथ्वी के भीतर से निकलने वाली भाप एवं जल वाष्प के वायुमंडल के विकास में सहयोग किया। दूसरी अवस्था, जब पृथ्वी के भीतर से निकले वाली भाप एवं जल वाष्प के वायुमंडल के विकास में सहयोग किया। अंत में वायुमंडल की संरचना को जैव मंडल के प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया ने संशोधित किया। आगे पढ़ते हैं। पृथ्वी के ठंडा होने और विभेदन के दौरान पृथ्वी के अंदरूनी भाग से बहुत सी गैसें व जलवाष्प बाहर निकले। इसी से आज के वायुमंडल का उद्भव हुआ। देखिए, पृथ्वी के नीचे का हम लोग कहते हैं पृथ्वी, आज हमारी भी जो गर्म है उसके नीचे से बहुत सी गैसें अंदरूनी जो पृथ्वी के नीचे है भाग बहुत सी गैसें व जलवाष्प बाहर निकले। इसी से आज के वायुमंडल का उद्भव हुआ। आरंभ में वायुमंडल में जल वाष्प, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन व अमोनिया अधिक मात्रा में स्वतंत्र ऑक्सीजन बहुत कम थी। जो उसमें जब आरंभ में हुआ वायुमंडल में जल वाष्प नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन व अमोनिया अधिक मात्रा में और स्वतंत्र ऑक्सीजन बहुत कम थी। वह प्रक्रिया जिससे पृथ्वी के भीतरी भाग से गैसें धरती पर आई, इसे गैस उत्सर्जन कहा जाता है। वह प्रक्रिया जिससे पृथ्वी के भीतर पृथ्वी के नीचे से जो गैस जो थी पृथ्वी के नीचे जो ऊपर आई, इसे क्या कहते हैं हम, गैस उत्सर्जन कहा जाता है। लगातार ज्वालामुखी विस्फोट से वायुमंडल में जल वाष्प व गैस बढ़ने लगी। देखिए, पृथ्वी की जब पृथ्वी ज्वालामुखी लगातार फटता है, ज्वालामुखी जो है उसके नीचे जो दबे हुए होते खनिज संपदा या गैस जो भी होते हैं वो क्या बाहर या ऊपर आ जाते हैं।
इससे गैस बढ़ने लगती है। पृथ्वी के ठंडा होने के साथ साथ जलवाष्प का संघनन शुरू हो गया। जब पृथ्वी ठंडा होने लगी धीरे धीरे, तो उसमें क्या हुआ, जलवाष्प का संघनन शुरू हो गया। अब अगला हेडिंग है जीवन की उत्पत्ति। देखिए पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई। पृथ्वी की उत्पत्ति का अंतिम चरण जीवन की उत्पत्ति व विकास से संबंधित है। उत्पत्ति व विकास से संबंधित है। पृथ्वी का प्रारंभिक वायुमंडल, पृथ्वी का प्रारंभिक वायुमंडल जीवन के विकास के लिए अनुकूल नहीं था। देखिए जो पृथ्वी का जो प्रारंभ में वायुमंडल था वह जीवन के अनुकूल नहीं था, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन की कमी थी, वह जीवन के अनुकूल नहीं था। आधुनिक वैज्ञानिक जीवन की उत्पत्ति को एक तरह की रासायनिक प्रक्रिया बताते हैं, हमारे ग्रह पर जीवन के लिए चिन्ह अलग अलग की चट्टानों में पाए जाने वाले जीवाश्म के रूप में है। जो अलग अलग चट्टानें, जो अलग गुफाएं होती, जो अलग अलग तरह के जीवाश्म मिले हैं उसके रूप में है। यह माना जाता है कि जीवन का विकास लगभग 300 करोड़ वर्ष पहले आरंभ हुआ। देखिए यह माना जाता है कि उसमें जीवन, पृथ्वी पे जीवन का विकास जो हुआ है हम लोग का 300 करोड़ वर्ष पहले माना जाता है। जैसे जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तो उससे पहले क्या, उस बाद क्या, उस पर जीवन का सबसे पहले आरंभ माना जाता था। एक कोशिकीय जीवाणु से आज के मनुष्य तक जीवन के विकास का सार भूवैज्ञानिक काल माप क्रम से प्राप्त किया जा सकता है। देखिए क्या क्या है, जो मनुष्य के जीवन के विकास का सार है उस समय जो भूवैज्ञानिक, जो पृथ्वी संबंधित वैज्ञानिक काल माप क्रम से प्राप्त किया जा सकता है, उसका उससे मतलब पृथ्वी पे विकास के कालक्रम को प्राप्त किया जा सकता है।